गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई कीर्ति वेलकम यू ऑल इन BBVN ऑनलाइन क्लासेस। एज वी हैव स्टडीड अबाउट बैलेंस डाइट इन आवर लास्ट वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट न्यूट्रिएंट्स की हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम अपने बैलेंस डाइट का पार्ट बनाते हैं। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आवर बॉडी नीड्स द राइट काइंड ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रहने के लिए एक अच्छे फूड की जो राइट फूड होता है, राइट काइंड ऑफ फूड होता है, उसकी ज़रूरत होती है। इट हेल्प अस टू बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स। और जो एक अच्छी डाइट होती है, जो बैलेंस डाइट होती है, वो हमारी बोन्स और मसल्स को बनाता है, को फिट रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। और जो अच्छा फूड होता है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है, वो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जो हमारी बॉडी, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक ग्रुप, उनका एक ग्रुप होता है जिसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बैलेंस डाइट का पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इज अ न्यूट्रिएंट्स दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए या खेल कूद करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें किस न्यूट्रिएंट से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द गो फूड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम गो फूड के नाम से भी जानते हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड और द ग्रो फूड्स। इट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसे ग्रो फूड के नाम से जाना जाता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और हमारी हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब कभी आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बाल टूटने लगते हैं या आपकी स्किन रफ़ हो जाती है, तो आपको सब क्या बोलते हैं? अच्छी प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे दूध पीना चाहिए या जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है आपको वो खाना चाहिए, जिससे आपकी जो हेयर और स्किन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं। फैट्स। फैट्स क्या होता है? फैट्स हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। जो फैट होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। मच ऑफ फैटी फूड कैन लीड टू ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज। बहुत ज़्यादा जो फैटी फूड होता है वो खाने से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फैटी फूड भी नहीं खाना चाहिए, बट कुछ मात्रा आपके शरीर के अंदर फैटी फूड की भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। विटामिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन्स होता है उसे एक बहुत ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज हेल्प अस टू फाइट डिजीज, ग्रो एंड रिमेन्स हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज से, जो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनसे लड़ने की शक्ति देता है और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो करता है। सोर्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। जो हमारा ब्लड है, बोन्स हैं, जो हमारे टीथ हैं, उनको मजबूत रखने के लिए, उनको हेल्दी रखने का काम कौन करता है? मिनरल्स करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। और ये एक प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो कि हमारे बोन्स, ब्लड और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स ग्रुप: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।